चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच हो रहे मैच में कुछ ऐसा हुआ कि सभी प्लेयर्स देखकर हैरान रह गए। असल में चलते हुए मैच में स्टेडियम में से दर्शकों ने मैदान में अपने जूते फेंकने शुरू कर दिए। इस घटना के कारण मैच को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा। चिदंबरम स्टेडियम के कर्मचारियों ने जूते उठाकर मैदान से बाहर लाने शुरू कर दिए और फिर थोड़ी ही देर में मैच शुरू हो गया। जब कोलकाता की पारी का 8वां ओवर चल रहा था और चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेयर रविंद्र जडेजा बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहे थे और तभी स्टेडियम के सबसे ऊपरी माले से जूते आकर उनके बगल में गिरे और जडेजा एकदम हैरान से रह गए, लेकिन उन्हें कोई भी चोट तक नहीं आई। उस समय उनके पास साउथ अफ्रीकन प्लेयर डुप्लेसी और एनगिडी भी बाउंड्री के उस पार पानी की बॉटल लेकर खड़े हुए थे। वो दोनों भी दर्शकों द्वारा जूते फेंके जाने से एकदम दंग रह गए और सिक्योरिटी को बुलाने लगे। गौरतलब है कि चेन्नई में कावेरी नदी को लेकर लोगों के बीच काफी रोष देखा जा रहा है। चेन्नई और कर्नाटका के बीच कावेरी नदी के जल के बंटवारे को लेकर लोगों में काफी गुस्सा पाया जा रहा है। उसी के रोष में दर्शकों में से कुछ लोगों ने अपना विरोध दिखाते हुए अपने जूते मैदान में फेंकने शुरू कर दिए। हालांकि उनकी इस हरकत को जायज तो बिल्कुल ही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि आईपीएल में जो फॉरेन प्लेयर्स खेल रहे हैं उन पर इस चीज का बहुत बुरा असर पड़ सकता है। आपके इस बारे में क्या विचार हैं, आप कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें। दुनिया भर की वायरल बात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।